देखिए, हरीश रावत जी गैरसैंण जा रहे हैं। इस सरकार ने गैरसैंण में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो इस बात को कहा कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित हो गई है, लेकिन वहाँ पर अभी तक जो है पट नहीं खुले हैं। स्थिति यह है जैसे चारधाम में खुलते ना पट, वो स्थिति वहाँ पर है। भाई इस समय तो जब ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वहाँ से जो है संचालित होनी चाहिए थी गैरसैंण से, लेकिन पूरी सरकार तो देहरादून में टटी हुई है। तो इसलिए हरीश राव जी जा रहे हैं सरकार को आईना दिखाने के लिए कि जो तुमने वादा किया था उस वादे को तुमने पूरा नहीं किया है। मदन कौशिक जी तो कह रहे हैं कि मार्च में ये हमने आदेश निकाला, अब आप 2 ही महीने में हमसे चाह रहे कि हम सारा काम करके दे दें, तो धीरे धीरे करके करेंगे। भाई एक चीज़ बताओ, जब सत्र हुआ गैरसैंण के अंदर, उस दिन जो है सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने बड़े जोश खरोश से जो है वहाँ पर घोषणा की कि गैरसैंण को हम जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाते हैं। आप वहाँ मौजूद थे किस तरीके से होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ना तो आप गए ना सरकार गई। जब सरकार नहीं गई तो आपने क्यों जाना था? तो इसीलिए उनको आईना दिखाने के लिए कि तुमने जो कहा था उसे पूरा नहीं किया है, इसलिए जुमलेबाजी बंद करो और वास्तविकता पर आओ। नमस्कार, मैं लक्ष्मी अग्रवाल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल प्रकाशन। प्रकाशन आपको अपने प्रदेश के साथ साथ देश और विदेश की खबरों के बारे में जागरूक करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से प्रयासरत है। कृपया प्रकाशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेहतर और उपयोगी पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान करें। धन्यवाद।